चारों तरफ। ये देखिए, पता नहीं क्यों रात को डेली डेली लाइट कट जा रहा है। देखिए अंधेरा, सबका इन्वर्टर, किसी का इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया। तो बाय। गुड आफ्टरनून गाइस, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप रियली कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज का। आ गई हूँ घर पे और अभी आने के बाद से चलो चाय वाय पीते हैं। और आज मेरा फास्ट है, मैं नहा धो के फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। नहा के आ चुकी हूँ, अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद से काम करूँगी कुछ भी। और लाइट अभी नहीं है, चलिए चाय पी के मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। नहाने के बाद से आई हूँ तो खाना वाना तो मुझे खाना नहीं है, आज फास्ट है। तो ये देख सकते हैं दूध पी रही हूँ, मुझे पसंद नहीं है पर क्या करूँ, मजबूरी है, फास्ट है और लाइट नहीं है। देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है, लाइट नहीं है। पता नहीं क्या, यहाँ पर अभी बहुत तेज से धमाका हुआ है, जैसे कि कुछ फॉल्ट हो गया है, ऐसे शायद कुछ हुआ है। तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ थोड़ा सा, और इतना सर में दर्द हो रहा है क्योंकि फास्ट कर रखो ना तो कुछ खाने को तो रहता नहीं है। और मैं, मुझे पता नहीं क्यों कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। मम्मी बोल रही है कि आम रखा है खा लो, आम रखा है खा लो, केला है खा लो, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। तो ये दूध मतलब बड़ी मुश्किल से पी लूँ, और मुझे दूध भी नहीं पसंद है, स्मेल आता है पता नहीं क्यों, पर पीना पड़ेगा क्योंकि सुबह उठूँगी तो फिर कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगा बॉडी में, तो इसीलिए पी रही हूँ। और लाइट का वेट कर रहे हैं, लाइट आए तो फिर हम लोग सोएं। अभी रात के क्या टाइम हो रहा है बता रही हूँ, घड़ी नहीं है मेरे पास, 11:21 हो रहा है। तो एक वीडियो मैं एडिटिंग कर दिया है, उसको अपलोडिंग पे भी लगाऊंगी ताकि सुबह आपको मॉर्निंग में मिल जाए। और ये जाएगा, आज मंडे है, ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे तक ये वीडियो आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाइफ में होता रहता है, इसी की वजह से नहीं अच्छे से कर पा रही हूँ कुछ भी। और जैसे कि आपको बताई हूँ कि मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, काफ़ी टाइम से मैं बोल रही हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बार बार ही बोलूँ कि मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब है, बट क्या करें, मजबूरी है और तबीयत ख़राब है तो बोलना पड़ता है। सो मतलब आज मैं बहुत गुस्सा हो गई थी कल कि जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं कराओगे मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो मम्मी ने फाइनली आज ब्लड टेस्ट करवाया है और अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आया है जिसमें कि मम्मी नॉर्मल है। वायरल, जैसे कि मौसम चेंज वगैरह हो रहा है इसी की वजह से उनको फीवर हो जा रहा है। तो डॉक्टर बोला है कि एक हफ्ते का दवा देगा और उसको खाइए, और मतलब थोड़ा शरीर में प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ ताकि जल्दी से मतलब थोड़ा कमज़ोरी ख़त्म होए और जल्दी से ठीक हो जाए मम्मी। तो कल से उनको कंटिन्यूसली अच्छा से अच्छे देख रेख होगा और जल्दी से मेरी मम्मी ठीक हो जाए, फिर ब्लॉग में लेके आऊँगी जैसे पहले आती थी। तो चलिए अभी दूध में फिनिश कर लेती हूँ, देन उसके बाद से अगर लाइट आएगा तो आपसे कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो कल मॉर्निंग में मिलूँगी। तो चलिए गुड नाइट। अभी मुझे लगता है कि अब मैं कल ही मिलूँगी क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी मैं सोऊंगी, देन उसके बाद से सुबह उठूंगी तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। बाय गाइस, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, गुड नाइट। और अभी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहीं पे एंड कर देंगे, और अगर छोटा सा ही रहा तो फिर मैं कल सुबह का भी दिखाऊँगी आपको। चलिए मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका। नेक्स्ट मतलब रात को सोने के बाद से अभी उठी हूँ, मतलब 1.5 घंटा हो गया उठी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप हो गया है। सारा काम धाम हो चुका है, साफ़ सफाई सब हो चुका है, अभी नाश्ता करूँगी उसके बाद से जाऊँगी पार्लर। तो चलिए अभी नाश्ता कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। नहा धो चुकी हूँ, साफ़ सफाई सब हो चुका है, बस नाश्ता करना है क्योंकि सर बहुत ज़्यादा, कल रात से ही बताएंगे भारी है।
बारी बारी से हो रहा है। नाश्ता कर लूँ फिर मिलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है लाइट आज भी नहीं है, और ये देखिए मैंने बर्तन वगैरह सब धुल दिया है। पता नहीं क्यों डेली डेली शाम को लाइट ही चला जा रहा है। तो ये बर्तन वगैरह धुल दिया है मैंने, और अभी सारा काम किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। इधर देख सकते हैं सारा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है, और लाइट है नहीं। तो अब हम लोग सोचे हैं कि छत पे जाके सब लोग टहल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, देन उसके बाद से मैं अपना मतलब एडिटिंग वगैरह करूँगी, और उसके बाद लाइट आ जाएगा तो सो जाएंगे हम लोग। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच डियर। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। और लाइटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि लाइट है नहीं, और ये इन्वर्टर भी मतलब उतना लाइट देख सकते हैं कितना धीरे धीरे चल रहा है। तो मैंने सोचा कि एंड कर दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और आप लोग वैसे देखते नहीं हो। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच कि आप इतना अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देखते हो, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, प्लीज़ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है। और बस यही सब है आज का, और आज मैंने आपसे अपने दिल की बात भी बताई। और हाँ, मम्मी का रिपोर्ट भी आ गया है, वो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊँगी, रिपोर्ट भी दिखाऊँगी और दवा भी दिखाऊँगी कि क्या हुआ है मम्मी को, क्यों इतना परेशान है मेरी मम्मी। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। गुड नाइट, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, और मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में एक और ब्लॉग लेके, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ, ये देखिए पता नहीं क्यों रात को डेली डेली लाइट कट जा रहा है, देखिए अंधेरा। सबका इन्वर्टर, किसी का इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो गया। तो बाय। एक बात कहूँ, आप किसी के साथ बार बार गलत बर्ताव करके ये उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो फिर भी आपसे प्यार करते रहेंगे। हाँ, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको एक बार, दो बार, दस बार माफ करेंगे, लेकिन कभी ना कभी वो थक जाएंगे, और थकने के बाद वो आगे बढ़ जाएंगे, और जब तक आपको एहसास होगा और आपको उनकी कदर होगी, वो आपसे बहुत दूर चले गए होंगे। तो अगर कोई आपकी जिंदगी में मायने रखता है, अगर कोई ऐसा है जिसे आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो, तो उसकी परवाह करो, उसकी कदर करो, उसे प्यार से, इज्जत से रखो।